हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे 8.3% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो बहुत पहलुओं के ऊपर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने मेंशन किया गया है कौन सी चीज़ों के ऊपर इंडियन इकोनॉमी ने रिवाइव किया है, कौन से सेक्टर्स में अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे काफ़ी सारे सजेशंस भी दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो यहां पे मेजरली अगर बात करेंगे, इंडिया के लिए हाईलाइट किया गया है कि 2021-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पे इंडियन इकोनॉमी 8.3% के हिसाब से ये जो फिस्कल ईयर है यहाँ पे ग्रो करेगी। तो देखिए, ये 8.3% जो ग्रो करेगी, डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे इसका एक कंपैरिजन लाना जरूरी है। तो इसका कंपैरिजन क्या है भाई, यानी कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर, इसमें अगर इंडिया की इकोनॉमी ने मान लीजिए कि 100 रुपये कमाया था, तो नेक्स्ट ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रही है 2021-22, ये फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी 108.3 ग्रो करेगी, यानी कि 8.3% इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे साउथ एशिया के लिए, तो साउथ एशिया में यहाँ पे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल 7.1% की ग्रोथ होगी। तो ये जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है, ये एक बाय एनुअल इकोनॉमिक अपडेट है, यानी कि हर साल दो बार आती है। मेनली यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पे इकोनॉमिक आउटलुक जो साउथ एशिया में उसके बारे में भी बात किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सेप्टेम्बर 2021 एकदम लेटेस्ट ताज़ा तरीन ये न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट पहले पब्लिश करती थी ये डिसकंटिन्यू करेगी। काफ़ी सारे रीजंस भी यहाँ पे दिए हैं कि डेटा इरेगुलरिटीज़ और काफ़ी सारे इथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके भी वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिलहाल तो वर्ल्ड बैंक नहीं करेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो 8.3% का जो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बोला गया है, तो मेनली यहाँ पे इसको बात किया गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि मार्केट में पैसा कितना इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने अलग अलग। यहाँ पे मैं काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या होंगी, हर सेक्टर्स में जॉब्स निकलेंगे, जॉब्स की डिमांड क्रिएट होगी, तो लोगों को यहाँ पे जॉब मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे इनफॉर्मल बिजनेसमैन होंगे उनको भी यहाँ पे फायदा होंगे। तो क्या होगा, जब भी उन लोग कमाने लगेंगे तो डेफिनेटली उन लोग क्या करेंगे, उस पैसों को खर्च करने के लिए कोशिश करेंगे, उन लोग मार्केट में जाएंगे, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो गुड्स एंड गुड्स हो या फिर सर्विस हो। तो इन चीजों के लिए क्या होता पड़ता है कि अलग अलग चीजों की डिमांड जब बढ़ती है, कंपनीज के लिए भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी इसको डेवलप किया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे फायदा मिले। तो जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड होगी तो ग्रेजुअली क्या होगा कि कंपनीज भी यहाँ पे ज्यादा तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई उन लोग ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक साइकिल में चलती रहेगी और ये साइकिल डेवलप होगी इन द लॉन्गर रन। तो देखिए, यहाँ पे बात किया गया है कि 2021-22 का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर में यहाँ पे GDP 20.1% इंक्रीज हुई है। अभी जब यहाँ पे स्पेशली एक क्वार्टर के बारे में बात किया जाता है तो वो कंपेयर किया जाता है
प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 2020-21 का जो पहला जो क्वार्टर था उसके मुकाबले 20.1% इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बात करेंगे 2020-21 का जो जो फर्स्ट क्वार्टर था यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, इंडिया की इकोनॉमी काफी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी बिकॉज कोरोना ने पहली बार हिट किया था। तो इस टाइम जो है 24.4% तक की इंडिया की जो यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी बिकॉज कंप्लीट लॉकडाउन दे दिया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग बात कीजिए, सर्विसेज सेक्टर बात कीजिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स बंद पड़ गए थे यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया है कि सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक के दौरान जो भी लॉस हुआ है वो कंपेरेटिवली पहले से कम है। तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया गया, स्पेशली जो भी सर्विसेज सेक्टर थी वो सर्विसेज सेक्टर ऑनलाइन चल रही थी, लोग घरों से काम कर रहे थे। हाल ही अगर बात करेंगे हम काफ़ी ऐसे भी सेक्टर्स हैं यहाँ पे काफ़ी डिसरप्शंस देखने को मिले थे, वहाँ पे काफ़ी लॉसेस देखने को मिले थे, लेकिन इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड वेव के टाइम यहाँ पे लॉस काफी कम हुई थी। तो इकोनॉमिक रिकवरी के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में जो है इकोनॉमिक रिकवरी की प्रोसेस अलग अलग है। स्पेशली अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में स्टेडिली 2021 में रिकवरी हुई है, लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लो स्किल इंडिविजुअल्स है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी खुद से पैसा कमा के डेली मजदूरी करके पैसे इनकम करते हैं, जो महिलाएं हैं अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं या फिर जो स्मॉल फर्म्स हैं, काफी ज्यादा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है मेनली यहाँ 2021-22 में अगर इकोनॉमी रिकवरी जो फाइनेंशियल ईयर में डेवलप होनी है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस देनी होगी कि हाउस होल्ड इनकम्स कैसे रिकवरी हो रही है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स जो भी यहाँ पे बात की, जो अलग अलग लोग इनफॉर्मली यहाँ पे जो है उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं, करोड़ों के पॉपुलेशन इंडिया में मिलेंगे आपको, तो इसमें कैसी रिकवरी हो रही है या फिर जो स्मॉल फार्म्स है ये कैसे नॉर्मलाइज हो रही है, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये डिटरमाइन कैसे हुई है इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19। COVID-19 की वैक्सीनेशन कैसे हुई है, किस कितनी रफ्तार से हुई है, इसका इफेक्ट भी डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, और अलग अलग जो एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स लाए गए हैं इसका भी इफेक्ट इंडिया की ग्रोथ में इन द लॉन्गर रन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थोड़े फिर सजेशंस भी यहाँ पे मीडियम टर्म ग्रोथ पे बात की है वर्ल्ड बैंक ने, तो मेनली यहाँ पे कहा गया है कि मीडियम टर्म ग्रोथ पॉलिसीज जो है उसको फिर से समझ के फिर से उसको इम्प्लीमेंट करनी होगी ताकि COVID-19 की क्राइसिस अगर होती भी जाए तो उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोविजंस मौजूद हो। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मीडियम टर्म ग्रोथ क्या है भाई, तो मीडियम टर्म ग्रोथ यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ही लंबा ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि जो प्लानिंग होती है यहाँ पे कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं है, मीडियम टर्म, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो मेनली सोशल प्रोटेक्शन हेल्थ सेक्टर में हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स में उसको डेवलप करनी होगी और ग्रीनर पॉलिसीज अप्लाई करनी होगी। तो अगर आप देख सकते हैं कितने सारा यहाँ पे ग्रीनर पॉलिसीज यूज किए जा रहे हैं, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो सके, अलग अलग ग्रीनर पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात की जा रही है यहाँ तक, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स, कितने ज़्यादा आप मार्केट में जाइए इनफॉर्मल सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करनी होगी क्योंकि ये जो है इंडिया की इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो या इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है महिलाओं को, जो उनकी जो सर्विसेज जो है इंडियन इकोनॉमी में लानी है, ये सब यहाँ पे बात कही गई है। तो एक चीज़ देखेंगे कि जब भी ऐसे कुछ क्राइसिस आते हैं डेफिनेटली क्या होता है कि ये क्राइसिस कंप्लीटली खत्म होने में टाइम लगती है, उसके वजह से क्या होती है कि अलग अलग काफी सेक्टर्स जो है उनकी जो यहाँ पे रिकवरी रेट अलग अलग होती है, और इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देख सके काफी डाउन होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो गवर्नमेंट को ही यहाँ पे अभी जो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली जानते हैं कि पैसे जब मार्केट में आते हैं चीजों की इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये हमारे फायदे के लिए ही हो रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक नहीं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी सोचना होगा, तभी जाके ये कुछ सालों में जो है रिवाइव कर पाएगी, और अगर यहाँ पे
सही पॉलिसीज ली गई तो डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम्स एज ए ब्लेसिंग्स साबित हो सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2021 और 22 के जो फाइनेंशियल ईयर में 8.3% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।